नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से शाहदरा जिले में श्री राम का रोल निभाते समय मौत हुई है और सुशील कौशिक रामलीला में राम का निभा रहे थे रोल। राम का रोल निभाते समय अचानक हुई मौत। सुशील कौशिक शिवखंड विश्वकर्मा नगर में रहते थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहदरा जिले में श्री राम का रोल निभाते समय एक शख्स की मौत। सुशील कौशिक रामलीला से राम का निभा रहे थे रोल, ऐसे में राम का रोल निभाते समय अचानक हुई मौत और सुशील कौशिक शिवखंड विश्वकर्मा नगर में रहते थे। वहीं बता दें कि शाहदरा जिले में श्री राम का रोल निभाते समय एक शख्स की मौत हो गई। सुशील कौशिक रामलीला में राम का रोल निभा रहे थे। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, शाहदरा जिले में श्री राम का रोल निभाते समय एक शख्स की मौत हो गई है, अचानक ये मौत हुई है, क्या वजह है? बिल्कुल सोनिया, देखिए शाहदरा जिले के विश्वकर्मा नगर में जय श्री रामलीला का आयोजन किया जा रहा था और रात के समय जब शाहदरा जिले के रामलीला में राम का रोल निभा रहे थे, सुशील कौशिक नाम है इनका, 45 वर्ष इनकी उम्र है और प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम करते हैं। परिवार का ये कहना था कि इनको कोई बीमारी नहीं थी, ना ही इनकी कोई किसी भी तरीके की मेडिसिन चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं। तो अचानक से रामलीला के अंदर से अनकॉन्शियस हो गए थे जिस समय वो ये राम का रोल निभा रहे थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक इनको आया और उसके बाद मौके पर भी इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन तुरंत ही सुशील कौशिक जो है उनको उठा करके कैलाश दीपक हॉस्पिटल है जो कि आनंद विहार में ही है, पास में ही है, जहाँ रामलीला हो रही थी, वहां लेकर जाया गया। तो डॉक्टरों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। तो फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि अचानक से हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। तो फिलहाल अभी जो है वो हॉस्पिटल में है और मामले की जो पुलिस है वो तहकीकात भी कर रही है, लेकिन ये क्लियर हो चुका है, डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि हार्ट अटैक होने की वजह से इनकी मृत्यु हो चुकी है। जी, जितेंद्र शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।